स्वागत है आपका कौलालंपुर में। सुबह के बज गए हैं 6:30, कौलालंपुर टाइमिंग है और इंडिया का टाइमिंग 4 बजे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं जाने वाला हूँ इमिग्रेशन करने के लिए, और इमिग्रेशन के बाद बैगेज कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल्स दूंगा वीज़ा के बारे में और करेंसी ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आज की वीडियो इसके ऊपर ही होगी। दोस्तों मेरा इमिग्रेशन हो गया है, मैंने बैग कलेक्ट किया, मैं आपको बैगेज बेल्ट दिखाता हूँ। और ये रही मेरी बैग, यहाँ से मैंने अभी कलेक्ट की है और सीधा अभी बाहर निकलते हैं। मैं अभी आपको इमिग्रेशन के बारे में बताऊँ, यहाँ पे इमिग्रेशन कैसा है, और वीज़ा भी आपको बताता हूँ, उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा, क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। इमिग्रेशन पे आने के बाद उन्होंने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ इतना पूछा कि आपकी रिटर्न टिकट दिखाओ और आपके पास MD AC का फॉर्म है क्या। तो MD AC फॉर्म क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मलेशिया घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको मलेशिया डिजिटल अराइविंग कार्ड फॉर्म फिलअप करना होता है, वो भी जब अराइविंग डेट के 72 आवर्स पहले। तो ये मैंने परसों रात को किया था, टू से 29 की रात को मैंने किया था, और इमिजिएटली वो आपको आपके ईमेल एड्रेस पे रिवर्ट करते हैं वो फॉर्म भरने के बाद। और मुझे जैसे वो रिवर्ट आया, और उस रिवर्ट मेल में आपको पिन नंबर आएगा, तो पिन नंबर से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। MDAC कार्ड क्या है, क्योंकि ये डिजिटल अराइविंग कार्ड है और उसमें आपके कुछ नहीं, उसमें सिर्फ आपके पर्सनल डिटेल्स रहते हैं, पासपोर्ट नंबर रहेगा, और मलेशिया में आप कहाँ पे रह रहे हो और कितने दिन के लिए रह रहे हो, बस यही है और कुछ नहीं है। अब इमिग्रेशन में मुझे क्या पूछा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन यहाँ पे रहने वाले हो। मैंने कहा कि 3 दिन यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। तो आपकी रिटर्न टिकट दिखाई है, तो मेरी रिटर्न टिकट मैंने दिखाई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा 3 दिन के बाद आप डिपार्चर करने वाले हैं। मैंने बोला हाँ, तो बोले ठीक है, और आपके पास होटल की बुकिंग दिखाई है। तो मैंने पर्सनली प्रिंटआउट निकाल के रखा हुआ था, तो मैंने दिखा दिया उनको, तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, स्टैंप लगा के मुझे छोड़ दिया। तो इमिग्रेशन मेरा स्मूथ हुआ। दोस्तों मैंने आपको इमिग्रेशन का बताया, मैं आपको वीज़ा के बारे में बता दूं। वीज़ा 1 साल के लिए हम इंडियंस के लिए फ्री है, तो आप पासपोर्ट लेके आ जाइए, स्टैंप इमिग्रेशन का लगवा लीजिएगा। दोस्तों मैंने सिम कार्ड और करेंसी की इंक्वायरी की एयरपोर्ट के बाहर, हॉटलाइन में मुझे अच्छा लगा है, 7 डेज़ का पैकेज है और उसमें 2 ऑप्शन है आपको, एक 4 GB 7 डेज़ के लिए और एक 100 GB, अनलिमिटेड नहीं है। और उसके लिए 100 GB के लिए आपको 74 रिंगेट देने पड़ेंगे और 4 GB के लिए आपको 40 रिंगेट देने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, मैंने उसको कहा कि मुझे 3-4 दिन के बाद अगर मैं कौलालंपुर से बाहर जा रहा हूँ तो दूसरे कंट्री में मुझे उसको यूज़ करने मिलेगा क्या। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हो, साउथ ईस्ट कंट्री में किधर भी जाइए, आपको मैं एक्टिवेट करके दे दूंगा, आप यूज़ कर लीजिए। सेलकॉन मुझे बता रहा था कि है ना 30 डेज़ के लिए, सॉरी 7 डेज़ के लिए कुछ उसने बताया 30 रिंगिट, और अगर आप 7 डेज़ के बाद उसको फेंक देना है, 3-4 दिन के बाद अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 60 रिंगिट पे करना पड़ेगा एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद आपको जिस कंट्री में जाओगे वहाँ पे जाकर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये मुझे महंगा लगा। करेंसी की मैं बात करूँ तो करेंसी में मैंने 2-3 जगह पे पूछा, एक CMB बैंक है, उसने मुझे, मैंने 2 करेंसी की बात की, डॉलर और INR। डॉलर $100 में उसने मुझे 430 रिंगिट बताया, और INR 1000 INR पे उसने मुझे 45
रिंगिट बताया। और दूसरी जो बैंक है आरएचबी, उसने अच्छा रेट दिया मुझे, उसने $100 पे 439 रिंगिट और 1000 INR पे उसने मुझे वही सेम 40-45 रिंगिट बताया। अब मैं जा रहा हूँ एक्सप्रेस ट्रेन की तरफ, आपको दिखा दूँ, सामने देखो पिंक कलर का जो बोर्ड दिख रहा है, KLIA एक्सप्रेस और ट्रांजिट दो ट्रेनें हैं, इसके रेट्स देखते हैं। पीछे KL सेंटर जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रांजिट ट्रेन का काउंटर है, और यहाँ पे मैंने प्राइस पूछा तो 55 रिंगिट दोनों की कॉस्ट है, और ये 33 मिनट्स में आपको KL सेंटर पहुँचाएंगे। KL सेंटर जाने के लिए बस जो है वो यहाँ पर है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हब है और कार पार्क भी है, तो मैं आपको वो एक बार दिखा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे आने के बाद। अब इस गेट से अंदर जाना है और लेवल 1, मैं अभी लेवल 2 पर हूँ और लेवल 1 पे जाना है मुझे, वहाँ पे बस स्टैंड है। लिफ्ट में आया हूँ और अभी ट्रांसपोर्ट मतलब लेवल 1 पर जाना है, वहाँ से बस मिलेगी, देखते हैं बस की क्या रेट है। यहाँ पे काउंटर्स है, ये देखें, मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हो वो बस काउंटर है। एयरपोर्ट की शटल बसेस यहाँ पे आती हैं और ये 15 रिंगिट में आपको KL सेंटर छोड़ेगी। अब मैं पूछता हूँ उनको कितने बजे की बस अवेलेबल है। बस की टिकट मैंने निकाल दी है, 15 रिंगिट की आई है KL सेंटर, और बस का टाइमिंग है 12:20। मैं आपको बस का पास दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है KL आई टर्मिनल 2 KL सेंट्रल, आज की डेट है, फिर बोर्डिंग टाइम दिया हुआ है 12:05 का बोर्डिंग टाइम है, डिपार्चर टाइम है 12:20, गेट है A5 और सीट नंबर 7, और कार रेंटल की कॉस्ट है 150 रिंगेट, तो अगर आप कार से जाना चाहते हो तो कार भी ले सकते हो यहाँ पर। मैं आपको यहाँ की करेंसी दिखाता हूँ, ये जो ऑरेंज कलर की आप नोट देख रहे हो ये 10 रिंगेट की है, हमारे यहाँ पे इसके 190 रुपीज़ हो जाएंगे, ये 50 रिंगेट की है। बोर्डिंग टाइम शुरू हो गया है बस का 12:05, जैसे मैंने कहा, और A5 पिलर नंबर है, तो वहाँ पे जाना है मुझे, या गेट भी बोल सकते हैं आप, उधर जाना है। यहाँ पे बस का फंडा ऐसा है दोस्तों, पीछे जो पिलर है इसे ये लोग कहते हैं गेट नंबर 5 या प्लेटफॉर्म नंबर 5 कहते हैं, आपके टिकट में भी लिखा हुआ रहता है A5, A4, A6, B1, B2, B3 ऐसे कुछ लिखा हुआ का, तो आप समझ लीजिए वो प्लेटफॉर्म है। और बोर्डिंग टाइम यहाँ पे जो है वो 12:05 का है, लेकिन अभी तक बस आई नहीं। अब मैं आपको बस में बैठने के बाद बाकी के डिटेल्स देता हूँ। फाइनली बस में बोर्ड कर चुका हूँ और अभी KL सेंट्रल के लिए निकलूँगा। यहाँ से KL सेंट्रल की जो जर्नी है वो 1.5 आवर की जर्नी है, तो वो डिपार्चर टाइमिंग है 12:20। अब हो चुका है 12:11, तो अब सीधा मैं आपको KL सेंट्रल पे मिलता हूँ। ये एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा है दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ KL सेंट्रल के बस टर्मिनल पर, 1 घंटे के बाद पहुंचा हूं यहां पर। अब यहां से सीधा मैं जाऊंगा हॉस्टल। रेलवे के प्लेटफॉर्म है, यहां से अब मुझे ऊपर जाना होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कैसे जाना है, किधर जाना है, एग्जिट वहां पे लिखा हुआ था, तो अब मैं सीधा ऊपर आया हूँ और यहाँ से देखता हूँ, ये कुछ मॉल है, मॉल से एग्जिट है शायद। यहाँ
यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है। तो उसने कहा मुझे कि आप एक काम कीजिए, सीधा जाइए, लेफ्ट ले लीजिए, लिफ्ट आएगी, लिफ्ट से नीचे जाइए, वापस लेफ्ट लेके राइट लेना, सीधा आप केएल सेंट्रल निकलोगे बाहर और उधर से आप पूछ लेना। तो अब मैं वैसे ही जा रहा हूँ जैसे उसने डायरेक्शन बताया। अब मैं आया हूँ लिफ्ट के पास और लिफ्ट लेके नीचे जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ। यहाँ से पहले सिम कार्ड लूंगा, सिम कार्ड लेने के बाद फिर आगे कोशिश करूंगा जाने की। हॉस्टल जाता हूँ, फिर बाद में ये सब चीजें करने के लिए बाहर निकलूंगा। इस वक्त हॉस्टल के रूम में हूँ, रिसेप्शन में मैंने पूछा तो वो बोल रहे यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे मैं फिल्मिंग नहीं कर सकता। अभी कोई नहीं है रूम में, तो मैंने सोचा कि है ना आपके लिए ये बता दो, ये हॉस्टल के बारे में एक छोटा सा टूर मैं आपको करवाता हूँ। टोटल 10 रूम है और 10 रूम में आपको 4 बेड डॉर्मी बंक बेड आएंगे, 6 बंक बेड आएंगे, 8 आएंगे और 10 बंक बेड। अब मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बंक बेड वाला मुझे दिया हुआ है और मेरा जो बेड है वो 5 नंबर का है, ये वाला मेरा है। यहाँ पे Alex, ready to come from? Bangkok, Thailand. Alex थाईलैंड से आया हुए है और यहाँ पे लॉकर दिया है और ये लॉकर्स है यहाँ पर, और मेरी बैग यहाँ पे नीचे रखी है, किसी और की बैग रखी हुई है। तो ये बेड है, एक रूम के अंदर 8 बेड रखे हुए हैं और वॉशरूम और नहाने के लिए बाथरूम आपको 2 जगह पे सामने की तरफ है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखिए ये वॉशरूम है और ये बाथरूम दिए हुए। अभी मैं लंच के लिए आया हूँ बाहर, लंच करने के बाद मैं थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करनी है। भाई खाना हो गया है, करेंसी देखने के लिए निकलना पड़ेगा। इधर है करेंसी, देखता हूँ मैं। ये देखिए ये है GMT मनी एक्सचेंज। अभी मैं मनी एक्सचेंज के लिए आया हूँ कुआलालंपुर स्टेशन से। जब मैं बाहर निकला था, आपने देखा होगा वो एक्सेलेटर से बाहर जब निकला तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज का मुझे ना शॉप दिखाई दिया, $100 के 463 रिंगिट मिलेंगे, 500 के वो 27 रिंगिट देंगे। तो ये एक दो ऑप्शन है, मैंने अभी $100 उनसे एक्सचेंज करवाए और एयरपोर्ट पे मुझे मिल रहे थे, आपको तो बताया मैंने सुबह एयरपोर्ट पे कितना प्राइस मिल रहा था मुझे, ठीक है ये बेटर है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, छोटी अमाउंट के लिए डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ आपका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पे लिख दीजिए, दैट्स इट, या फिर पासपोर्ट नंबर आप लिख दीजिएगा, हो गए। दोस्तों मलेशिया में रात के 11 बज चुके हैं और इंडिया में 8:30 बज चुके होंगे और मेरे शक्ल से आपको पता चल गया कि मैंने कितना रेस्ट लिया। एक्चुअली दोपहर को करेंसी एक्सचेंज करने के बाद हॉस्टल आया और सीधा सो गया था क्योंकि बहुत स्ट्रेन हुआ था मेरी बॉडी के और बॉडी भी पेन हो रही थी, इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और शाम को मैं जब उठा यहाँ पे 7:30 बजे तो देखा बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। हॉस्टल में थोड़ा टाइम पास किया, अब मुझे लेना है सिम कार्ड, लेकिन सब शॉप्स पीछे देख रहे हैं अब बंद हो रहे हैं, तो कल सुबह ही मैं सिम कार्ड ले लूँगा और अच्छी तरह से कुआलालंपुर को हम एक्सप्लोर करेंगे कल। तो मेरे चैनल पे बने रही है, वीडियो पसंद आती है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और आप भी कुआलालंपुर आ रहे हो मेरी वीडियो देख के तो अच्छी बात है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर कुछ भी दिक्कत है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। कल मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।